देना है, ऐसे ही दवा देना है। हनीमैन मना कर रहे हैं, फिर आपको कंडेम कर रहे हैं कि पूरे का पूरा केस टेकिंग तो होना ही मांगता है। इसीलिए वो बोलते हैं विशुद्ध भाव से शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक लक्षण लेने हैं। एपोरिज्म नंबर 83 ये कहता है, जब आपके मन के अंदर पैसे की बात आए, जब आपको अपने सिद्धांतों पे विश्वास ना रहे, जब आप किसी की बातों से डर जाएं, जब आपको कुछ मन में जजमेंट आ जाए, तब बार बार एपोरिज्म नंबर 83 को याद कीजिए, बार बार एपोरिज्म नंबर 83 को पढ़िए और अपने आचरण में लाइए। क्लियर? एपोरिज्म नंबर 84, इसमें हनीमैन बताते हैं कि पैशन का डिटेल्ड हिस्ट्री लो, आप पढ़ लीजिएगा। हम थोड़ा स्पीड में बढ़ा रहे हैं क्योंकि नहीं तो खत्म नहीं कर पाएंगे, एक घंटे से ज्यादा हो जाएगा। हनीमैन बताते हैं अपनी पांचों इंद्रियों को एकदम ऑन रखो और जो भी माहिती मिले उसको लिखते जाओ लिखते जाओ, और मरीज को रोगी को बोलो थोड़ा धीरे बोलो, मुझे लिखना है। थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम, अपना क्या अनुभव है। नेक्स्ट, रोगी अपना विस्तृत वर्णन बताएगा, जो भी उसको पूछो सिर्फ इतना ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछो, क्या दिक्कत हो रही है, क्या तकलीफ है, क्यों आपको हमारे पास आना पड़ा है, आपको क्या हो रहा है, वो अपने आप बताएंगे। ऐसा होता ही नहीं है कि मरीज बताए ना, क्योंकि उसको ठीक होना है, उसको पीड़ा हो रही है, उसको दर्द हो रहा है, तो उसको पूछो वो बताएगा, वो क्यों नहीं बताएगा। लेकिन उसको पूछने से पहले हम ही अपने परफॉर्मा लेके शुरू हो जाते हैं, अपना मेथड लेके शुरू हो जाते हैं, ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ। हनीमैन कंडेम कर रहे हैं एपोरिज्म नंबर 84 के अंदर, अपने को नहीं बोलना है। हनीमैन बोलते हैं रोगी को बोलने दो, उसको सिर्फ उतना ही पूछो तुम्हें क्या हो रहा है, वो अपना विस्तृत वर्णन बताएगा। रोगी के परिजन हैं वो भी विस्तृत वर्णन बताएंगे, क्योंकि उन्होंने भी देखा है कि रोगी के अंदर क्या क्या अस्वाभाविक परिवर्तन हुए हैं। चिकित्सक को तब तक कुछ नहीं बोलना है जब तक वह भटक नहीं जाते। अगर वो भटक गए मतलब कि विषयांतर हो गया, वो बताने लगे डॉक्टर साहब हमारा तो 2 हेक्टर का पूरा खेत है और खेत में हमने अनार डाले हैं और वो अनार बहुत मीठे होते हैं, तो वो अनार हमारे कुछ काम के नहीं है, तब उनको वापिस ले आइए कि आपको दिक्कत क्या हो रही है वो मुझे बताइए, आपको क्या पीड़ा है, आपको क्या तकलीफ है, आपको क्या रोग है, आपको क्या क्या होता है, मुझे विवरण से बता दीजिए। इतना बोलेंगे ना मरीज, इतना बोलेगा, इतना बोलेगा, इतना बोलेगा, साला हम लिखते लिखते थक जाएंगे। आज के जमाने में हर किसी को दर्द है, हर किसी को पीड़ा है, चाहे किसी को शारीरिक है, किसी को मानसिक है और किसी को भावनात्मक है। अगर भटक जाते हैं तो उन्हें वापिस मुद्दे पे लाना है और चिकित्सक को वापिस मौन हो जाना है। हनीमैन कंडेम करते हैं, नहीं पूछना है, अपने परफॉर्मा के लेके तो नहीं पूछना है, और मेंटल पूछना, डेल्यूजन के बारे में पूछना, ये पूछना वो पूछना, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। पहले मरीज को रोगी को बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, उसको खाली कर दीजिए, फिर उसके रिलेटिव्स हैं, उसके दोस्त हैं, उसके साथ जो आए हैं उनको भी बोलने दीजिए, उनको भी खाली कर दीजिए। सिर्फ सुनना है और उसमें से अपने काम का जो है वो लिखते जाना है, लिखते जाना है, और फिर बार बार उसके ऊपर विचार करना है। क्यों? क्योंकि मरीज कई दफा गलत बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, अर्धसत्य बोलेंगे, बड़ा चढ़ा कर बोलेंगे, तो हमें चिकित्सक को उसमें से केवल सत्य लेना है, केवल सत्य लेना है हमें उसमें से। हमारे बच्चे आते हैं, डॉक्टर साहब मैं पेशेंट ने बोला कि मुझे ठंड ज्यादा लगती है तो हमने चीली ले लिया, पेशेंट ने बोला कि मैं ठंडे पानी से नहाता हूं तो हमने हॉट ले लिया, पेशेंट ने ये बोला तो हमने ये लिया, पेशेंट ने वो बोला तो हमने वो ले लिया। डॉक्टर रोशनी, आपके प्रश्न का जवाब अगले एपोरिज्म में है। हमारे बच्चे पेशेंट ने बोला कि मुझे मच्छी ज्यादा पसंद है तो हमने लिख लिया, बस उसको वो जो भी बोले उसमें से सत्य क्या है। आज का ही हमारा एक केस है, पेशेंट ने 4 बार बोला सर मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, सर मुझे दर्द नहीं होना चाहिए, सर दर्द तो नहीं होएगा ना, फिर हमने उसके अंदर लिया फियर ऑफ सफरिंग। लेकिन वेरीफाई हो तब ही लो, उसमें सत्य निकला तो लिया, वो जो बताए उसको वैसे ही नहीं ले लेना है, उसको पहले ही बता देना है कि धीरे धीरे बोलो जिससे मैं लिख सकूं, निरपेक्ष भाव से, शांत चित से रोगी के पास बैठकर उसके कष्टों का वर्णन सुनना है। हमें यह नहीं पूछना है कि तुम्हें क्या है, डॉक्टर रोशनी खास ध्यान रखिएगा, हमें नहीं पूछना है तुम्हें क्या है, हमें पूछना है तुम्हें तकलीफ क्या है।
यही डिफरेंस है होलिस्टिक मेडिसिन हमारे बीच और दूसरे स्कूल के बीच, यही डिफरेंस है। वो लोग पूछते हैं तुम्हें रिनल स्टोन है, तुम्हें नर्व ब्लॉकेज है, तुम्हें पैरालिसिस है, तुम्हें ये है। हमें पूछना है तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम्हें दर्द क्या है, तुम्हें रोग क्या है। वो बताएंगे डॉक्टर साहब मेरे को यहां से दर्द शुरू होता है कमर में से, इतना झटका लगता है, इतना झटका लगता है, पूरा दाहिना पैर झटका मारता है। समझ आ रहा है किस तरह से पूछना है? ये भी हनीमैन आगे बता रहे हैं। निरपेक्ष भाव से, हमें जजमेंटल नहीं बनना है, शांत चित्त से। अगर आपको गुस्सा है, आपको बीबी से झगड़ा हो चुका है, आपके बच्चे ने कुछ बोल दिया है, आपके पिताजी ने आपको कुछ भी बोल दिया है, ऐसा कुछ किया है, तो 15 मिनट ध्यान कीजिए, स्टेबल हुए और उसके बाद ही केस ले लीजिए। तब तक केस रिसीविंग शुरू मत कीजिए। और रोगी के पास बैठकर उसके कष्ट का वर्णन सुनना है, उसको पूछिए आपको कष्ट क्या है, आपको तकलीफ क्या है। कोई रोगी आके बताएगा डॉक्टर साहब मेरी तकलीफ तो मेरी बीबी है, तो वो भी हमें लिखना है। क्यों आपकी बीबी क्या है, आपकी बीबी के कुछ किस कारणों से आपको कष्ट होता है? डॉक्टर साहब पूरा दिन रात मेरे से झगड़ा करती रहती है। ये देखिए यहां पे मुझे मार लिया, पूरा गाल में देखिए काला 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 जमा हो गया है। बोलेगा डॉक्टर साहब मेरी तो तकलीफ यही है कि मेरा स्वभाव बहुत दयालु है, जो भी आता है मेरा यूज करके चला जाता है। हमें पेशेंट को सिर्फ इतना पूछना है क्या तकलीफ है, वो अपने आप बताएगा। कोई बोलेगा डॉक्टर साहब तकलीफ ये है, ये हाथ में ऐसे उठा नहीं पा रहा हूं, उसको भले ही ना पैरालिसिस है, उसको क्या है वो डायग्नोसिस करने का, निदान करने का हमारा अधिकार है, वो फिजिशियन करेगा। अगर वो आपके पास रिपोर्ट लेके या डायग्नोसिस लेके आते हैं तो उनको प्रेम से बताइए कि वो सब छोड़िए, आपको क्या होता है वो मुझे बताइए, मुझे आपकी तकलीफें ठीक करने में इंटरेस्ट है, मुझे ये कागज ठीक करने में इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर? रोगी बहुत सी बातें छोड़ देगा या तो बड़ा चढ़ा कर कहेगा, तो इसीलिए हमें क्या करना है, उनके नजदीक के लोगों को भी पूछना है। यहां पे हनीमैन हमें डेविएशन और डिस्पोजिशन की बात करते हैं, यहां पे हनीमैन सिखाते हैं कि क्या डेविएशन है और क्या डिस्पोजिशन है। दो शब्द, डेविएशन का मतलब क्या होता है, अस्वाभाविक परिवर्तन, अस्वाभाविक परिवर्तन, जो मैं पहले नहीं था मगर अब ऐसा हो गया हूं। डॉक्टर साहब पहले चिड़चिड़ा नहीं था, सब जब से ये सर्दी हुई है ना तब से मैं ऐसा हो गया हूं। डॉक्टर साहब पहले तो मैं है ना हर रोज एक बार ही जाता था स्टूल पास करने के लिए, लेकिन दस्त लग गए हैं अब 5-6 बार जाता हूं। पहले मेरा स्टूल नॉर्मल आता था, अब हरे कलर का आता है। पहले मैं ऐसा नहीं था, अब ऐसा हूं। पहले नहीं था, अब ऐसा हूं। अब जो भी हुआ वो सब डेविएशन है। पहले मुझे ठंड नहीं लगती थी, अब जब से बुखार आया है ठंड लग रही है। मतलब जो भी दिक्कत शुरू हुई उसके बाद हुआ, परिवर्तन हुआ है, वो सब डेविएशन है। ये डेविएशन हमें एक्यूट डिसीज के अंदर ज्यादा मिलेगा और ज्यादा काम आएगा। जो स्वाभाविक है, जो पहले से है वैसे ही है, मुझे ठंड पहले से ही पसंद है, मुझे मीठा खाना बहुत ही पसंद है, मुझे पहले से ही मेरे पैरों में से बदबू आती है, ये हमें क्रॉनिक डिसीज के अंदर ज्यादा मिलेगा और ज्यादा काम आएगा। डॉक्टर साहब पहले से ही मैं थोड़ा गर्म प्रकृति का आदमी हूं, पहले से ही मेरा स्वभाव ऐसा है कि बात बात में मुझे रोना आ जाता है। डॉक्टर साहब जब से ब्रेकअप हुआ ना तब से मुझे बहुत रोना आ रहा है। मतलब पहले से रोना आता है तो वो वीपिंग डिस्पोजिशन है, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद अगर सिर्फ उसको रोना आता है तो वो डेविएशन है। समझ आ रहा है? पल्सेटिला के अंदर जो वीपिंग डिस्पोजिशन लिखा है तो वो वीपिंग डिस्पोजिशन का मतलब ये होता है कि वो पहले से ही रोने वाली है। थोड़ा शॉर्ट में जा रहे हैं, समझ आया सबको डेविएशन और डिस्पोजिशन के बीच क्या अंतर है? डेविएशन मतलब जो भी अब हुआ है, जो परिवर्तन हुआ है, जो अस्वाभाविक है। डॉक्टर साहब हमने पापा को पहले कभी इतना चिड़चिड़ा नहीं देखा है, जब से ये निमोनिया हुआ है ना तब से वो बहुत चिड़चिड़ करने लगे हैं, तो ये डेविएशन है। डॉक्टर साहब इनका स्वभाव तो पहले से ही चिड़चिड़ा है, तो ये डिस्पोजिशन है। समझ आ रहा है? डेविएशन प्लस डिस्पोजिशन इज इक्वल टू टोटालिटी। हमें सिर्फ केस रिसीविंग में इतना ही लेना है कि इसका डिस्पोजिशन कैसा है और इसमें क्या क्या डेविएशन है। डेविएशन प्लस डिस्पोजिशन इज इक्वल टू टोटालिटी, बस हमें वहीं से दवाई मिलेगा।
किसी को ना समझ आया हो ऐसा कुछ? वो अच्छी तरह से सुनता रहे ओके हाँ कर रहे हैं कर। क्या अंतर है डेविएशन और डिस्पोजिशन के मध्य? तो डेविएशन का मतलब है जो अस्वाभाविक है, जो परिवर्तन हुआ है, जो पहले नहीं था जो अब है। लाइक सर मैं पहले चिड़चिड़ा नहीं था, जब से शादी हुई है मेरी वाइफ से मेरी बनती नहीं है मैं चिड़चिड़ा हो गया। सर मैं पहले ऐसा नहीं था लेकिन जब से निमोनिया हुआ है तब से मैं ऐसा हो गया। पहले मुझे ठंड नहीं लगती थी अब मुझे ठंड लगने लगी है। पहले मुझे हर रोज एक बार जाता था अब 5 बार स्टूल के लिए जाना पड़ता है, दस्त लग चुका है। तो पहले नहीं था और अब है, ये सब डेविएशन है। ये हमें एक्यूट डिसीज में ज्यादा मिलेगा और ज्यादा काम आएगा। डिस्पोजिशन का मतलब क्या है? जो स्वाभाविक है। डॉक्टर साहब इनका स्वभाव तो पहले से ही ऐसा है, ये तो बात बात में रो देती है। डॉक्टर साहब पहले से ही मैं गुस्से वाला हूं, मुझे ठंड पहले से बहुत पसंद है, मुझे मीठा बहुत पसंद है, मेरे पैरों में से बदबू पहले से ही आती है, ये सब डिस्पोजिशन है। अगर मैं पहले से ही हर बात में रो देता हूं तो वीपिंग डिस्पोजिशन है, लेकिन ब्रेकअप होने के बाद मुझे बार बार रोना आता है तो ये डेविएशन है। डेविएशन मतलब जो परिवर्तन हुआ है वो, और डिस्पोजिशन मतलब जो स्वाभाविक है वो। डेविएशन प्लस डिस्पोजिशन इज इक्वल टू टोटालिटी, और वहीं से दवाई मिलेगा। माफ कीजिएगा। क्लियर महेश सर? हनीमैन क्या कहते हैं? फिजिशियन को अच्छी तरह से सुनना है, बीच में नहीं बोलना है, हमें नहीं पूछना है, कुछ भी नहीं पूछना है, सिर्फ उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोल के छोड़ देना है कि आपको क्या क्या तकलीफें हैं मुझे विवरण से बताइए, मैं इंटरेस्टेड हूं, आपकी दिक्कतें सुनूंगा। किसी फिजिशियन ने नहीं सुना होगा लेकिन हम सुनेंगे और उसके मुताबिक आपकी दवाई करेंगे, लेकिन आप मुझे डिटेल में बताइए, फिर वो जो बोलता जाए हमें सिर्फ इतना ही करना है। अच्छा बहुत अच्छे, और क्या होता है? जी हाँ बराबर, हाँ ओके अच्छा ऐसा ओके जी, और बताइए थोड़ा और बताइए, हाँ और क्या होता है, और कोई दिक्कत और कोई तकलीफ, हाँ जी ओके, बस इतना ही बोलते जाना है और पेशेंट को खुलने का मौका देना है। मरीज हमें बता रहा है डॉक्टर साहब सिर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, और उसको बीच में पूछेंगे तुम्हें नींद कैसी आती है? नहीं पूछना है रे हमें, नहीं पूछना है, उसको बोलने दो, बोलने दे बाबा, उसको बोलने दे, मरीज को खुलने दो, रोगी को खुलने दे और खिलने दे, वही सच्चा फिजिशियन। ये हनीमैन साहब बता रहे हैं। धीरे धीरे जो भी उसमें से अपने काम का इंफॉर्मेशन है वो लिखता जाए लिखता जाए। हनीमैन साहब कहते हैं कि केस रिसीविंग की कोई मेथड या कोई परफॉर्मा नहीं होता है, रोगी जिस डायरेक्शन के अंदर केस को लेके जाता है वही डायरेक्शन होता है। जिस तरह से रोगी और रोगी के दोस्त और रिलेटिव बताते जाएंगे हमें उसी मुताबिक लिखते जाना है, लेकिन हम क्या करते हैं? नहीं हमें मेरे परफॉर्मा के, रोगी बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे को ठंड बहुत अच्छी लगती है, नहीं रे नहीं अभी तुरे को तू मेरे को चीफ कंप्लेंट बता, ऐसा नहीं करना है। रोगी जब जो जैसे माहिती बताए, मरीज जब जो जैसे माहिती बताए, हमें सिर्फ लिखते जाना लिखते जाना, हाँ ओके बराबर करते जाना, उसको खुलने और खिलने का अवसर दें, कहीं पे भी टोके ना, एक मात्र विषय परिवर्तन हो तभी लिए, तो उसको विषय के ऊपर ले आइए, सिर्फ इतना ही हनीमैन ने हमें छूट दिया है। बाकी हनीमैन ना कहते हैं लेकिन हम क्या करेंगे? वो रोगी बोलेगा डॉक्टर साहब मेरे को मीठा तो बहुत पसंद है, नहीं मेरे ते मैंने तेरे को पूछा तुझे क्या पसंद है, वो परफॉर्मा में आएगा तब पूछूंगा, अभी तू मेरे को एसेसरी कंप्लेन बता, ऐसा नहीं होता है। यह केस टेकिंग होता है, इसीलिए हमने शब्द बदल दिया, हमने लिखा केस रिसीविंग। रिसीविंग का मतलब क्या होता है? वी आर बेगर्स, हमारा एटीट्यूड भिखारी की तरह होना चाहिए। हमने कहा था कि शुक्राचार्य क्या कहते हैं कि सीखने को मिले तो दुश्मन के अंदर से भी सीखो, तो भिखारी के में से भी सीखना है कि भिखारी आपको बोलेगा दे दे रे बाबा दे दे भगवान के नाम पे दे दे कुछ तो दे दे, और जो वो हम उसको देंगे रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया खाना पीना वासी रोटी ताजी रोटी चाहे मिठाई कुछ भी देंगे ना वो भिखारी उसे ले लेगा। उसी तरह हमें भी केस रिसीवर बनना है, मरीज दर्दी रोगी पेशेंट
उसके रिलेटिव हमें जो भी इंफॉर्मेशन दे वो इंफॉर्मेशन ले लेना है। हमें डिमांड नहीं करना है कि तुम मुझे एसेसरी सिम्टम दो, तुम मुझे चीप सिम्टम दो, तुम मुझे थर्मल दो, तुम मुझे फिजिकल जनरल दो, अब तुम मुझे मेंटल दो, अब तुम मुझे डेल्यूजन दो, अब तुम मुझे लोकेशन दो, अब तुम मुझे सेंसेशन दो, ऐसा कोई डिमांड नहीं करना है। हनीमैन साहब कंडेम करते हैं यहाँ पे, ना कहते हैं कि केस रिसीविंग का कोई मेथड नहीं होता है। हमने बहुत सारे बच्चों से सुना है हम तो फलाने मेथड से केस टेकिंग करते हैं, हम तो वैसे मेथड से केस टेकिंग करते हैं। हनीमैन साहब कहते हैं केस टेकिंग का कोई मेथड नहीं होता है। मरीज रोगी जिस डायरेक्शन में केस को लेके जाएगा उसी डायरेक्शन में जाने का है। गो विथ फ्लो, वही लिखना है जो उपयोगी एवं कार्य उपयोगी है। मरीज और उसके दोस्त बहुत कुछ बताएंगे, हमने फिर 2 एकड़ में शक्कर टेटी डाली थी, बहुत मीठी हुई थी, वो हमारे कुछ उपयोग का नहीं है, उसको नहीं लिखना है। एक बहुत अच्छा वाक्य है, देयर इज पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन बट नो केस, केस कैन बी बिटवीन 2 लाइन। हम आजकल यही करते जा रहे हैं। हमारा मकसद ज्यादा पन्ने भरना नहीं होना चाहिए, हमारा मकसद अच्छी एवं कार्य उपयोगी इंफॉर्मेशन लेना ही होना चाहिए। हम पन्ने भरते जाते हैं, पैशन का लव मैरिज हुआ, फिर वो लोग वहाँ पे फिल्म देखने गए, उसमें उन्होंने ये मूवी देखी, उसमें उन्होंने पॉपकॉर्न खाए, वो पॉपकॉर्न 50 रुपए के थे, वो हमारे कुछ काम का नहीं है, उस स्टोरियों में हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आजकल हमें सबको उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लगता है, हम लोग रियल केस रिसीविंग नहीं कर रहे हैं। क्लियर? एपोरिज्म नंबर 85। ही बिगिन अ फ्रेश लाइन विथ एवरी न्यू सर्कमस्टेंसेस मेंशन बाय द पेशेंट और हिज फ्रेंड सो दैट द सिम्टम्स शैल बी इन रेंज सेपरेटली ऑन बिलो द अदर, ही कैन दस एड टू वन दैट मी फर्स्ट हैव बीन रिलेटेड टू इन टू वेग अ मैनर। डॉक्टर रोशनी का प्रश्न था, उसका जवाब दे रहे हैं हनीमैन। हर एक क्लिनिकल प्रश्न का जवाब देंगे मास्टर हनीमैन। डॉक्टर रोशनी ने पूछा था कि पेशेंट एक चीज ही बताते हैं कि मुझे यहां नर्व ब्लॉकेज है, पहले स्ट्रोक हुआ था, उसके बाद फुल ब्लॉक नर्व ब्लॉकेज है, अभी रिलीफ है, इस तरह से बताते हैं, तो हमें क्या करना है? हर एक नई घटना एवं नया लक्षण एवं नया दर्द नए पैराग्राफ से लिखना शुरू करना है। एक पैराग्राफ में लिखना है नर्व ब्लॉकेज, उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में पेशेंट ने बोला पैरालिसिस तो लिखना है पैरालिसिस, उसके बाद पेशेंट ने बोला कि मुझे पेट दर्द तो लिखना है पेट दर्द, जिससे रोगी की हर एक रोग समझ में आए और पीछे आगे केस रिसीविंग के दरमियान रोगी कोई भी बात बताए तो हम उसमें लिख जा सकें। वो वापिस बताएगा कि जब पैरालिसिस हुआ था ना तब लेफ्ट साइड का हुआ था और शुरू ऊपर के हाथ से शुरू होके पैर की तरफ गया था, वो आधे घंटे बाद बताएगा, तो हमें वहां पे ही पैरालिसिस के पैराग्राफ में ही वही सिम्टम लिखना है ताकि सब सिम्टम एक दूसरे के अंदर मिल ना जाए। ये बात हम अपने हमारे एक अच्छे डॉक्टर हैं जो समझ चुके होंगे, जिनका नाम भी डॉक्टर है, उनको बार बार बताते हैं कि सब गड़बड़ घोटाला मत करो, सब एक एक पर्टिकुलर को अलग अलग पैराग्राफ के अंदर लिखो, लेकिन वो मानते ही नहीं है, हनीमैन साहब का भी नहीं मानते हैं। like, पेशेंट ने बोला कि मुझे सिर दर्द है तो पहले पैराग्राफ में लिखो सिर दर्द, फिर पेशेंट ने बोला मुझे पेट दर्द है तो दूसरे पैराग्राफ में लिखो पेट दर्द, फिर पेशेंट ने बोला कि मेरा प्रेम भंग हुआ था तो तीसरे पैराग्राफ में लिखो प्रेम भंग, फिर पेशेंट ने बोला मेरे पिता की मृत्यु हुई तो चौथे पैराग्राफ में लिखो पिता की मृत्यु, फिर बोलेगा सर मेरे को सिर दर्द होता है ना तो सनलाइट में जाता हूँ ना तभी होता है, तो फिर सिर दर्द के आगे लिखो सनलाइट एग्रावेशन, फिर बोलेगा मेरे पिताजी है ना चले गए उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे रोना था लेकिन मैं रो नहीं पाया और वो है ना तब से ही मुझे सिर दर्द शुरू हुआ है, तो लिखो पिता की मृत्यु एलिमेंट्स आफ्टर, फिर बोलेगा डॉक्टर साहब पेट दर्द है ना मुझे ऐसा होता है ना कि मुझे दबाने से अच्छा लगता है तो पेट दर्द के सामने लिखो एमिलोरेशन बाय प्रेशर, फिर बोलेगा डॉक्टर साहब मेरी एक ही गर्लफ्रेंड थी किस तरह से उसको हथेली के ऊपर रखा था लेकिन मेरे को छोड़ के चली गई, उसके गम में से मैं अभी बाहर नहीं निकल सका हूँ, तो लिखो डिसअपॉइंटेड लव, और फिर डॉक्टर साहब उसके बाद ही मुझे ये सिर दर्द बढ़ गया तो वहां पे लिखो एलिमेंट्स आफ्टर। तो इस तरह से मरीज आपको कब भी माहिती दे, कब भी इंफॉर्मेशन दे, कैसे भी इंफॉर्मेशन दे, उसको किस तरह से लिखना है ये हनीमैन हमें सिखा रहे हैं ताकि सिर दर्द के सभी लक्षण सिर दर्द के अंदर ही मिल जाएं, पेट दर्द के सभी लक्षण वहां पे ही मिल जाएं, फिर उसी संदर्भ में जो भी माहिती मिले हमें
जो भी इंफॉर्मेशन मिले वे वही पैराग्राफ में लिखनी है। क्लियर? एपोरिज्म नंबर 86 पढ़ लीजिएगा घर जाके। हमारे पास समय बहुत कम है तो थोड़ा स्पीड के अंदर जा रहे हैं, लेकिन एपोरिज्म नंबर 86 के अंदर मास्टर हनीमैन क्या कहना चाहते हैं वो हम देखते हैं। अब तक समझ गए कि हमें कुछ नहीं बोलना है? हनीमैन ने हमें अब तक बोलने की परमिशन नहीं दी है, अभी तक नहीं बोलना है हमें। क्या कहते हैं मास्टर? रोगी एवं रिश्तेदार जब अपनी बातें बताएं तो चिकित्सक को वो लिख लेनी है। हमें लिखना है, किस तरह से लिखना वो एपोरिज्म नंबर 85 के अंदर बताया। और उसके बाद और ज्यादा थोड़ी जानने की चेष्टा करनी चाहिए, ये कब शुरू हुआ, कैसे बंद हुआ। ये सेकंड पार्ट ऑफ केस टेकिंग है। पहले पार्ट के केस टेकिंग के अंदर फिजिशियन एकदम पैसिव है, सिर्फ मरीज ही एक्टिव है। दूसरा पार्ट है केस टेकिंग का, जब मरीज सब कुछ बता दिया अब हमें यह शुरू करना है, सिर्फ ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगर आप बता रहे थे सिर दर्द, तो उसमें आपको क्या होता है, कैसा होता है, कब बढ़ जाता है, कब घट जाता है, बस इस तरह से ही। यहां पे हनीमैन हमें बोल रहे हैं टाइमलाइन बनाओ। बहुत सारी दिक्कतें हैं, पैरालिसिस है, नर्व ब्लॉकेज है, तो हाइपरटेंशन है, शुगर है, बीपीएच है, तो पहले कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा कौन सा हुआ, चौथा कौन सा हुआ, प्रेम भंग है, पिता की मृत्यु है, तो पहले क्या हुआ, दूसरा क्या हुआ, तीसरा क्या हुआ, उसके हिसाब से पेशेंट के जन्म से लेके आज तक का सब विवरण उसके छोटे से एक पत्ते के ऊपर लिखो, टाइमलाइन बनाओ। हनीमैन एपोरिज्म इसमें हमें ये समझा रहे हैं, हर एक सिम्टम को LSMC ODP के हिसाब से लिखो, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिटन। अगर मिलता है मरीज ने, रोगी ने अपने आप बता दिया है तो लिख लियो, अपने आप नहीं बता है तो आगे के एपोरिज्म में हनीमैन हमको कहते हैं, पूछने का हमको कहते हैं, वो तब उसको पूछ लो, पूछ के उसको LSMC ODP भरो। फिर भी नहीं मिलता है तो क्या करना है, बोनी कुसेन का कॉन्सेप्ट लगाना है, व्हाट इज ट्रू फॉर पार्ट इट इज ट्रू फॉर होल, एक का सेंसेशन दूसरे में, एक का मोडालिटी तीसरे में, लेकिन हर एक सिम्टम को LSMC के हिसाब से कंप्लीट सिम्टम करो। दर्दी हमें बोल देता है कि डॉक्टर साहब सिर दर्द करता है और एकदम हथौड़े जैसा दर्द करता है, ओके, फिर हमें सिर्फ इतना पूछना है कब बढ़ जाता है, कब घट जाता है, कब ज्यादा दर्द करता है, ओपन एंडेड। लेकिन एक बार मरीज के खाली हो जाने के बाद, उदाहरण के तौर पे दिया है, अगर उसका सिर दर्द सुबह को बढ़ता है तो सल्फर में सुबह का एग्रावेशन है, शाम को बढ़ता है तो लाइकोपोडियम में शाम का एग्रावेशन है, रात को बढ़ता है तो लैकेसिस में रात का एग्रावेशन है, तो हमारी मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें PQRS चाहिए। हमें नर्व ब्लॉकेज से कोई मतलब नहीं है, हमें पैरालिसिस से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कोमिटेंट और मोडालिटी से। नर्व ब्लॉकेज है तो कहां पे नर्व ब्लॉकेज है, कहां से शुरू हुई दिक्कत, कहां से शुरू हुई। लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, ऊपर से या नीचे से, किस लोकेशन से है, उसमें क्या होता है, बर्निंग होता है, पेन होता है, स्टीचिंग होता है, स्मार्टिंग होता है, नंबनेस होता है, नर्व ब्लॉकेज के अंदर होता क्या है, उससे मतलब है। कब अच्छा लगेगा, क्या करेगा तो अच्छा लगेगा, क्या करेगा तो बढ़ जाएगा, कब करेगा तो बढ़ जाएगा, सुबह, दोपहर, शाम, रात, पूनम को, अमास को, न्यू मून, फुल मून, समर में, विंटर में, मानसून में, स्प्रिंग में, पानखर में, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, हर तरह से LSMC ODP, इसके साथ और क्या होएगा। तो ये LSMC पूरा करने का हनीमैन यहां पे हमको निर्देश दे रहे हैं। समझ गए? इसके आगे और एपोरिज्म नंबर 87, तो फिजिशियन को अब क्या करना है, अब हमें हनीमैन पूछने का छूट देंगे। यहां पे क्या कहते हैं हनीमैन, क्या करना चाहिए, हमें जो बताया आचार्य हनीमैन ने क्या करना चाहिए ये तो बता दिया हमें एपोरिज्म 86 के अंदर, कि LSMC ODP के हिसाब से हर एक सिम्टम को लिख दीजिए। अब क्या नहीं करना चाहिए वो भी बताते हैं। उनको पता था कि मेरे बच्चे बहुत दिमाग वाले, सातिर दिमाग वाले होंगे, मैं अगर उनको नहीं बताऊंगा ना तो वो ऐसे ही भूले करेंगे, क्योंकि वो शॉर्टकट ये होंगे, उनको मेहनत करना अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए वो शॉर्टकट अपनाने के लिए जाएंगे। तो उन्होंने हनीमैन यहाँ पे कंडेम करते हैं, क्या करना चाहिए ये तो बताया, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए ये भी हनीमैन बताते हैं। हनीमैन कहते हैं ऐसे प्रश्न नहीं करने हैं जहां पर मरीज हाँ अथवा तो ना में जवाब दे, या तो मरीज को कोई सिलेक्ट करना पड़े कि हाँ या ना, और
क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं करने हैं, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करने। आपको खट्टा पसंद है, आपको तीखा पसंद है, आपको सुबह में दस्त ज्यादा लगती है, आपको डर लगता है, आपको भूत का डर लगता है, आपको भूत के सपने आते हैं, आपको जलन होती हो ऐसा लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं करने हैं। हनीमैन साफ तौर से कंडेम कर रहे हैं। नहीं तो आलस्य या तो चिकित्सक को संतुष्ट करने के लिए मरीज कोई भी उत्तर दे देगा और जिससे भ्रम होगा और उसका उत्तर असत्य अथवा तो अर्धसत्य होगा, गलत रोग की गलत छवि बनेगी और गलत दवा जाएगी तो आपकी दवाई कायम नहीं करेगी और फिर आप बोलेंगे कि होम्योपैथी वर्क नहीं कर रही है। हनीमैन बार बार हमें कह रहे हैं कि बच्चे काम करो, मेहनत करो, हर एक केस में मेहनत करो। एपोरिज्म नंबर 82 से ही बोल रहे हैं कि हर एक केस को अपनी मेहनत करनी है। इंडिविजुअल केस है तो इंडिविजुअल मेहनत करनी है। देर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ, देर इज नो शॉर्टकट इन होम्योपैथी, बिकॉज होम्योपैथी इज लाइफ। जीवन जीने के लिए भी कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं, उसी तरह होम्योपैथी में भी कोई शॉर्टकट नहीं होते हैं। हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आपको ठंड ज्यादा अच्छी लगती है, हाँ, आपको अस्थमा की बीमारी है तो रात को 12 बजे ही वो ज्यादा होती है, हाँ, अपने मन में आर्सेनिक है तो वहां पे आर्सेनिक फिट कर दिया, दे दिया, लेकिन उससे हमारा एपोरिज्म नंबर 1 फुलफिल नहीं होगा, मिशन ऑफ फिजिशियन फुलफिल नहीं होगा, एपोरिज्म नंबर 6 फुलफिल नहीं होगा, हम अनप्रिजुडाइज नहीं है। तो हनीमैन बार बार हमें वही सिखा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं हनीमैन, हनीमैन ने हमें कह दिया कि केस रिसीविंग के दौरान क्या करो क्या मत करो। अब पेशेंट खाली हो चुका है, एकदम बोल दिया है पेशेंट ने, अब हमें क्या करना है, अब क्या कहते हैं हनीमैन। एपोरिज्म घर पढ़ लीजिएगा, कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो अपने संयोजक से या तो हमें या तो ग्रुप में कहीं पे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर मरीज कुछ नहीं बता रहा है तो शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक परिपेक्ष का कोई भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपने जो बताया था वो नर्व ब्लॉकेज उसमें आपको क्या होता है, थोड़ा बहुत बताइए मुझे। आप वो कह रहे थे कि आपके पिताजी की डेथ हो गई और फिर आपको बहुत बुरा लगा, आपके भाइयों के अंदर झगड़ा हो गया और आपको बुरा लगा, उसमें आपको क्या लगा थोड़ा बताइए। आप वो बता रहे थे कि आपका स्वभाव थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा बताइए वो उस जिद्दी मतलब कैसा। हमें उसके सामने डम बने रहना है, हमें कुछ ही मालूम नहीं है, वही होशियार है और उसको बोलने देना है। अगर आप बहुत अच्छा एक वाक्य है कि आप अगर किसी को जानना चाहते हैं कि वो कैसा है तो उसे बोलने दीजिए, हमें बस वही करना है लेकिन जज नहीं करना है। चिकित्सक को इस तरह के प्रश्न करने चाहिए जिससे मरीज विवरण देने को मजबूर हो जाए। वो थोड़ा मुझे नर्व ब्लॉकेज के बारे में बताएंगे, क्या होता है, दिक्कत क्या, ब्लॉकेज को भूल जाइए आप, वो डायग्नोसिस को भूल जाइए, आप मुझे ये बताइए कि आपको दिक्कत क्या होती है। तो मरीज अपने आप बताएगा, डॉक्टर साहब यहाँ से शुरू होता है और पूरे बाएं पैर के अंदर रहता है और जलन जलन सी रहती है, रात को बढ़ जाती है। दिया पूरा विवरण दिया ना, वो मजबूर हो गया देने को। वो आप बोल रहे थे कि आपका शादी टूट गया है, उसके क्या हुआ था उस टाइम पे, थोड़ा बहुत तो उसके बारे में बता पाएंगे। वो बोलेगा, डॉक्टर साहब छोड़िए ना उसकी बात क्या ही करूं, मेरा तो आज भी खून खौल जाता है, उस तरह का मर्द तो मैंने जिंदगी भर नहीं देखा है, पूरे मेरे के ऊपर इतना शक करता रहता था, मैं इतनी उससे तंग आ गई थी, इतना मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे काट दूं, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं किया और डिवोर्स लेके दूसरी जगह शादी कर ली। तो पेशेंट मजबूर हो गया बताने को। इसी तरह आप कहेंगे कि आपने बोला आप थोड़े जिद्दी हैं, थोड़ा बताइए ना उसके बारे में। हाँ डॉक्टर साहब, जिद्दी तो मैं पहले से ही हूँ, मुझे सब लोगों ने बोला कि तू उस कंपनी में जॉब मत कर, लेकिन नहीं, मैंने डिसाइड किया है करनी है तो फिर मैं करूंगा, कोई मुझे ना बोले और मैं ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पेशेंट विवरण देने को मजबूर हो जाए ऐसे प्रश्न पूछने हैं। लेकिन ये सब मरीज एवं उसके परिवारजनों को जितना बोलना था उतना बोल लेने के बाद पूछना है, बीच में नहीं पूछना है। पहले उनको खाली करो, पूरा विवरण ले लो उनसे, उन्होंने जितना बताना चाहिए उतना उनसे उनको बता लेने दो, उसके बाद हमें शुरू करना है, उसके बाद हमें एक्टिव होना है, ठीक है। जब वो बोलते हैं तो बीच में कुछ नहीं पूछना है। हमने पहले भी बोला कि अपना परफॉर्मा लेके नहीं बैठना है, जो भी मरीज बोले प्लेन पेपर इज द बेस्ट परफॉर्मा हनीमैन साहब के हिसाब से।
और अब चिकित्सक को लगता है कि यह माहिती कुछ कम है तो उसके बारे में पूछ सकता है। जब वो बोलने का खत्म कर दें उसके बाद वो बोलेंगे अब हमारा खत्म, आपको कुछ पूछना है तो पूछो डॉक्टर साहब, तब ही हमें पूछना है। जिससे शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक कोई भी माहिती कहीं से भी छूटे ना, मल के बारे में, पेशाब के बारे में, नींद के बारे में, खाना पीना, महावारी, कोई भी प्रसंग, कोई भी बात, कुछ भी पूछना है उसको। क्लियर? जहां जहां कम लगे कि यहां की माहिती कम है उसके बारे में पूछ लेना है, पेशाब कैसा होता है, बस इस तरह का। ऐसा नहीं पूछना है कि आपका पेशाब पीला होता है, हाँ या ना में जवाब दे, ऐसा नहीं पूछना है। एपोरिज्म नंबर 89, वो घर जाके पढ़ना है, वो क्या कहना चाहता है वो हम देखते हैं। रोगी अपने आप सब कुछ बता देता है, लेकिन अगर चिकित्सक को यह माहिती पूर्ण नहीं लगती है तो वो ज्यादा सवाल पूछ सकता है। हनीमैन अब हमें छूट दे रहे हैं कि अब सवाल पूछो, यहां पे कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, पहले मत पूछो। अपने को जो चाहिए वो नहीं लेना है, केस टेकिंग नहीं करना है, केस रिसीविंग करना है। लेकिन अगर आपको लगे कि कोई सवाल अभी भी रह गया है, कहीं पे माहिती अधूरी है, कौन सी माहिती, तो हर एक सिम्टम को हमें कंप्लीट सिम्टम करना है। कैसे? लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एवं कॉन्कोमिटेंट, चाहे वो रिनाल स्टोन हो, चाहे नर्व ब्लॉकेज हो, चाहे राइनाइटिस हो, चाहे हे फीवर हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे कार्सिनोमा हो, चाहे ल्यूकोरिया हो, चाहे मेंसिस हो, कोई भी दिक्कत हो, लेकिन हमारा सिम्टम कैसा होना चाहिए, LSMC ODP, ये हनीमैन बताते हैं, हम नहीं बता रहे हैं। और हम इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस के अंदर लेते हैं और मिल रहा है। वो तो मरीज है, वो हेल्थ साइंस पढ़ा हुआ नहीं है, वो होम्योपैथी पढ़ा हुआ नहीं है, तो उसको पता नहीं है कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो काफी सारी चीजें वो छोड़ देगा, उसको लगेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो नहीं बताएगा। लेकिन जो जो हमें बाकी रह गया है वो फिजिशियन को पूछना है। अब तक हनीमैन ने हमारे हाथ बांध कर रखे थे, लेकिन हनीमैन अब हमारे हाथ खोल रहे हैं। जब मरीज खाली हो जाए, अब मेरे कहने को कुछ नहीं बचा है, तब चिकित्सक को पूछना चाहिए। इसके अलावा महावारी, नींद, खाना पीना, पेशाब, मल, इसके बारे में पूछ लेना चाहिए। कैसे कलर का होता है, कब कैसे होता है, उसमें से गंध आती है कि नहीं आती है, कब बढ़ जाता है, कब घट जाता है, उसके दौरान कोई दिक्कत होती है नहीं होती है, उसके पहले, उसके दौरान, उसके बाद में कोई दिक्कत है कि नहीं है, ये सब पूछ सकते हैं। एपोरिज्म 90, When the physician has finished writing, मतलब अब हमने लिखने का खत्म कर दिया है। फिजिशियन माने हम सब ना, हमारे सब क्लिनिकल प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हैं। थोड़ी 10 मिनट लगेंगी, माफ कीजिएगा, थोड़ा स्पीड किया फिर भी पीछे रह गए, क्षमा चाहते हैं आपकी, 10 मिनट थोड़ी ज्यादा लेंगे, हमारा समय खत्म हो चुका है। लेकिन when the physician शुक्रिया has finished writing down these particulars, he then makes a note of what he himself observe in the patient and ascertain how much of that was peculiar of the patient in his healthy state. ठीक है, क्या कहता है हनीमैन साहब यहाँ पे? रोगी का व्यवहार कैसा है, उत्तेजित है, चिंतातुर है, उदास है, रो रहा है, कैसा है, वो फिजिशियन को हिमसेल्फ ऑब्जर्व करना है, परीक्षण के अवलोकन करने हैं, उसके नाड़ी की गति कैसी है, नाड़ी का प्रकार कैसा है, शरीर का तापमान कैसा है, श्वास की गति कैसी है, श्वास में से कैसी गंध आ जाती है, ऑस्कल्टेशन करना है, आवाज कैसा आता है, विजिंग आते हैं कि क्रैकल्स आते हैं कि मिक्स साउंड है, कोई साउंड है कि साइलेंट लंग है, एब्डोमेन के अंदर पेरिस्टाल्सिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको टॉर्च डाल के आंख की किकी का परिवर्तन देखना है, आंख की किकी का परिवर्तन देखना है। पेशेंट जब खाली हो गया, फिजिशियन ने जब कंप्लीट सिम्टम कर दिए, उसके बाद ये क्या ऑब्जर्व किया फिजिशियन ने, वो लिखना है कि प्यूपिल कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, त्वचा उसकी कैसी है, छू के देखना है, ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, मॉइस्ट स्किन है, आधुनिक वैज्ञानिक के आविष्कार के तथ्य भी जोड़ने हैं, चाहे वो सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो, यूएसजी हो, ब्लड और यूरिन रिपोर्ट हो, ईसीजी हो, एक्सेट्रा। अगर ईसीजी के अंदर
राइट साइडेड वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के चेंजेस आते हैं तो हमारी मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए जो हार्ट की मेडिसिन हो और राइट साइडेड हो। अगर LVH के चेंजेस आते हैं तो मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए जो हार्ट की हो और LVH लेफ्ट साइडेड ज्यादा हो। ख्याल आ रहा है? जिसकी स्फीयर ऑफ एक्शन हार्ट के ऊपर हो और राइट साइडेड हो, लेफ्ट साइडेड हो। तो ये इन्वेस्टिगेशन के ऊपर से भी हमें PQRS मिलते हैं, इंडिकेशन मिलते हैं। इन सब लक्षण की जांच करो कि रोग से पहले कैसा था, अगर रोग के बाद का परिवर्तन है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये डेविएशन है। इसके अलावा ये सब फिजिशियन को लिखना है। ये सब लिख लेने के बाद अपने अवलोकन भी लिखने हैं कि मरीज पैर हिला रहा था कि नहीं हिला रहा था, मतलब फिजिडिटी ऑफ लेग, रेस्टलेस है कि नहीं है। केस रिसीविंग जब दर्दी मरीज रोगी हमारे क्लिनिक के अंदर दाखिल होता है तब से शुरू हो जाता है, हमारे पास चाहे जब आए, वेटिंग में बैठा होता है तब भी केस रिसीविंग शुरू होता है। वो पैर हिलाता है तो रेस्टलेसनेस ले ही लेना है, उसे पूछने को नहीं बैठना है। बाल कम है कि नहीं है, अगर उसके यहाँ पे दोनों खांचे हैं, बाल कम हैं, तो इट इज इंडिकेशन फॉर सम मेडिसिन। अगर उसके फोरहेड पे बाल कम हैं, बाल झड़ चुके हैं, तो ये दूसरी कुछ मेडिसिन का इंडिकेशन है। अगर बीच में से ये यहाँ से बाल झड़ चुके हैं तो दूसरी कुछ मेडिसिन का इंडिकेशन है। बाल्डनेस है तो कहाँ से बाल्डनेस है ये हमें ऑब्जर्व कर लेना है। कहीं पे पेशेंट को मसे हैं, तिल हैं, मोल हैं, वाट हैं, तो वो भी ऑब्जर्व करना है और लिखना है। पेशेंट अगर ऐसे 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 नाखून चबा रहा है वेटिंग में बैठ के, तो वो भी ऑब्जर्वेशन करके लिख लेना है कि नेल बाइटिंग कर रहा है। अगर पेशेंट नाखून चबाते चबाते ऐसे थूकता है, बार बार थूकता है, तो वो भी ऑब्जर्व करके लिखना है कि पेशेंट थूक रहा है। कई लड़कियां होती हैं अपनी ऐसे बाल होते हैं और बालों को खाती रहती हैं, तो वो भी लिखना है कि बाल खा रहा है। अगर पेशेंट होते हैं उनका शर्ट का पहला बटन ऐसे खुला होता है, तो वो भी हमें ऑब्जर्वेशन के अंदर लिखना है कि पहला बटन खुला है। पेशेंट ढीले कपड़े पहन के आया हुआ है, तो भी हमें लिखना है कि वो ढीले कपड़े पहन के आया है। उसके होठ भीखे हैं कि सूखे हैं, होठों के ऊपर क्रैक्स हैं कि नहीं है, अगर क्रैक्स हैं तो कहाँ पे, अगर मिडल में क्रैक है तो नेट्रोम्यूर, सेपिया जैसी कई सारी दवाइयाँ हैं जो इनका इंडिकेशन है। अगर पूरे होठ क्रैक्ड हैं तो दूसरी कई सारी दवाइयाँ हैं, अगर दोनों होठ क्रैक हैं तो और कुछ दवाइयाँ हैं, तो वो भी हमें लिखना है। अगर आपको पेशेंट में से कोई भी बास आ रही है, उसके मुंह में से, उसके पसीने में से, उसकी उल्टी में से, उसकी टट्टी में से, उसके पिशाब में से, कहीं से भी बदबू आ रही है, तो वो भी ले लेना है। अगर पेशेंट मरीज आपकी आंख से आंख मिला के बात नहीं कर रहा है, तो वो भी हमें लिख लेना है। पेशेंट बोलने की, बैठने की किस तरह की पोजिशन है, वो भी हमें लिख लेना है। कहीं पर दूसरे रंग के दाग धब्बे, मेलाज्मा, क्लोजमा, डिस्कलरेशन है, तो वो भी लिख लेना है। और भी बहुत कुछ है जो फिजिशियन अवलोकन कर सके, अपनी पांच इंद्रियों से फिजिशियन को जो भी परसेप्शन हो सके वो सब लिख लेना है। क्लियर? अगर मरीज कुछ बोलता नहीं है ना, फिर भी केस टेकिंग होता है, ये हनीमैन साहब इधर बता रहे हैं, और उन्होंने ऐसा ही किया है। इसीलिए हनीमैन साहब को हम आचार्य बोलते हैं। क्यों आचार्य? आचार्य वही जिसके आचरण से सीखा जा सके। क्लियर? और जो भी फिजिशियन सुन सके, देख सके, महसूस कर सके, अपनी पांच इंद्रियों की मदद से कर सके, वो सब अवलोकन करने हैं और लिखने हैं। इसीलिए हनीमैन साहब करते हैं कि फिजिशियन की अपनी हर इंद्रियां सुसक्त होनी चाहिए, उसका अवलोकन अच्छा होना चाहिए। होम्योपैथ शुड बी अ कीन ऑब्जर्वर। अगर मरीज कुछ नहीं बोलता है तो वो भी एक लक्षण है। इनमें से जो भी मिले उसकी टोटालिटी बनेगी और उसकी टोटालिटी के ऊपर से दवाई दी जाएगी। ये हनीमैन साहब के हिसाब से है केस रिसीविंग। और केस रिसीविंग के अगले भी और भी एपोरिज्म है, वो हम देखेंगे अगले सोमवार को। 10 एपोरिज्म देखे, थोड़ा स्पीड में गए हैं। आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। तो अब सबको केस रिसीविंग करना आ जाना चाहिए। तकरीबन 30 लोग जो जुड़े हैं उनको तो केस रिसीविंग आ ही जाना चाहिए। और अब केस लीजिए, कहीं पे भी आपको अगर कोई प्रश्न है, आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ग्रुप के अंदर डालिए, अपने संयोजक को पूछिए और उसमें वो आपको आगे गाइड करेंगे। ये गुरुकुल की कार्य प्रणाली है कि हम आपको कुछ सिखाएंगे नहीं, आपको अपने आप काम करना है। जहां जहां एक किसी को सीखने की जरूरत महसूस होती है, वहां वहां गुरु स्वयं पैदा होता है। ओके, धन्यवाद जी। हाँ, वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा पूरा। जी जी सर।
ओके ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। नेक्स्ट टाइम एपोरिज्म नंबर 91 से 103 के बीच में कोई भी एपोरिज्म आएंगे।